हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 2.1 को चालू करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। एक होते हीरो, हीरो की एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं तो जिसके अभी कई सारे हीरो हैं, टाइगर श्रॉफ, रणवीर। फिर एक होते सुपर हीरोज। सुपर हीरोज की बात करें जिनके पास बहुत पावर होता है, जैसे मार्वल के देखते हैं, डीसी के हीरोज देखते हैं, डेडपूल, एवेंजर्स, और फिर सबसे लास्ट में आते हैं लेजेंड। मतलब इनसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल के लिए मिस्टर बीन, शिनचैन। इसी प्रकार से एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 एकदम लेजेंड लेवल की एक्सरसाइज है। मतलब एक कचरा महाकचरा और इन सब कचरों के दादाजी जिसको कह सकते हो आप, वर्ड एक्सरसाइज 2.1 है। सबसे इजी, सबसे आसान, करना ऐसा सेकंड्स का काम। 5 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सिंपल है। आइए बुक में आप अपने साथ ओपन करें। सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज अगर पूरी आपकी एमपी बोर्ड की बुक में अगर कोई सी है तो 2.1 है, जिसको हर एक बच्चा कर सकता है और सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल्स टू px बिलो फॉर सम पॉलीनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। ग्राफ जो है वो x लाइन को जितने पॉइंट से कट करेगा, x एक्सिस को जितने पॉइंट से कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स लाइन के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैंने ये चेक करा कि एक्स के पॉइंट से तो लाइन जा ही नहीं रही है। अगर नहीं जा रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा हो जाएगा, दिस ग्राफ शोज पी एक्स हैज नो जीरो। कितने जीरोस हो गए? कोई जीरो नहीं। सेकेंड ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिख जाए। सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सेकंड ग्राफ में जो मेरा ग्राफ है पॉलीनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट से कट कर रहा है? सर ये तो एक हुआ, गिनती आती है हमको। तो दिस ग्राफ शोज पी एक्स एज 1 0। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फटाफट कमेंट में मुझे बताएंगे कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मेरे साथ साथ काउंटिंग करते जाए तो 1 2 3, बहुत बढ़िया। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? दिस ग्राफ शोज पी एक्स एज 3 0s। अब फटाफट फटाफट वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, 4th, 5th और 6th का आंसर फटाफट कमेंट में सभी बच्चे लिखकर मुझे बताएं। आइए इतने हम देखते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जिसको समझ में आ गया वो आंसर लिखे, जिसको नहीं आया वो देखे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं पॉलीनोमियल की, तो वो कितने पॉइंट से कट कर रहा है एक्सिस को? 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, कितने हो गए? 2। तो दिस ग्राफ शोज पी एक्स एज 2 0s। ये सॉल्यूशन ही है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आने के चांसेस है, और आया भी है, जो कि एकदम महाकचरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th, आइए क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं। सर 1 पॉइंट से कर रहा है, 2 पॉइंट से कर रहा है, 3 पॉइंट से कर रहा है, 4 पॉइंट से कर रहा है, 5 पॉइंट से कर रहा है। हैं, 5 हो गए क्या? नहीं, ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो कितने पॉइंट से हो रहा है? 1 2 3 4। दिस ग्राफ शोज पी एक्स एज 4 0s। ध्यान से देखना है मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोले जा रहा तो बस हाँ चलने को सर ने बोला सही होगा। 6th वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, 6th वाले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर पर्टिकुलर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो यहां पर ये कितने पॉइंट से टच कर रहा है? 3 पॉइंट से टच कर रहा है। मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद सच में आपको लगा होगा कि ये एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद आई हो तो लाइक करके साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा उसके इसको अपने क्लासमेट्स को आप शेयर करें ताकि उनको भी एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना आए।
जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए वीडियो को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी टैप करें। वीडियो को देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए